हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आज चैनल तुम्हारा चैनल, ओए रुक, बोलने तो दे कम से कम पहले। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और दीप्ति भी पहुंच चुकी है, मैं भी, हम लोग एक साथ आ गए ऑफिस से। दीप्ति अपना ऑफिस की गाड़ी में आई, मैं बाइक लेके आ गया और उसको लेने गया था मैं, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया क्योंकि ठंडा था। आज ठंडा है, मौसम भी आज बहुत सुहाना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम। और आज हम लोग कल है, मौसम भी सुहाना है, बहुत ही अच्छा शानदार मौसम है और बारिश भी गिर रहा था कहीं कहीं जगह पर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग अभी भी घुसे हैं रूम पे और टीवी भी ऑन नहीं किया अभी तक, तो घुसते ही हम लोग चालू हो गए वीडियो में। और ये मुझे बोल रही है कि 25 रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, तो इसलिए वीडियो का मतलब MB वो बढ़ जाता है, 3GB या 2GB का हो जाता है। उसको अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है और नेट भी बहुत जाता है, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि 25 रुपये का वो एक्स्ट्रा भराई है, तो उसके बाद जाके एक वीडियो अपलोड हुआ है। कल का जो दूध रखा हुआ था फ्रीज पे, वो पूरा ठंडा होके आइस हो गया, बहुत ही मतलब मज़ेदार लग रहा है, आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए आपको किचन में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो आइस वाला दूध। और दीप्ति, मैंने पहले से देखिए, मैंने पहले से एक चम्मच यहाँ पर रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए, और यहाँ पर देखिए पूरा आइस, ये देखिए, ये देखिए। तो हम लोगों ने ये दूध लाया है, ये 30 रुपया का, 30 रुपीज़ का दूध है दोनों के लिए हम लोग का। मैं तो दूध नहीं पीऊंगा, ये पिएगा दूध। और इसको हम लोग अभी काटेंगे, पकड़ो थोड़ा सा, पकड़ो, बड़ा आता है। हाँ, ये खराब हो गया, नहीं गिरा कि नहीं इधर, देखो ये तुम्हारा जो तुमने अभी लगाया था ना, ये कट वो लो है, मेरा वाला नहीं है। बढ़िया, ये जानने वाली। वाओ, टोमेटो बहुत अच्छी तरह से आता है गैस जलाने में। तुमको कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी दूध उबालने के लिए रखते हैं ना, रखने के साथ साथ मेरे साथ एक बार हुआ था, दीप्ति ने मुझे दूध उबालने के लिए दिया था, तो मैंने क्या किया था, दूध उबाल के थोड़े टाइम देखा कि उबलेगा बोल के थोड़े टाइम देखा मैंने, सोचा कि उबलेगा अभी उबल जाएगा, तो थोड़े टाइम रुका मैंने, रुक के देख रहा उबल रही है, तो मैं बोर हो गया, थोड़ा बैठ के आता हूँ। जैसे ही मैं बैठने गया, बैठने जाने के साथ साथ दूध इधर उबल के गिर गया। वो हम लोग को धोखा देता है दूध, हमेशा धोखा देता है, इसलिए दूध उबाल के थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूध उबल के दूध में पूरा ध्यान जमाए रखिए, जब तक उबलता नहीं, इसको छोड़ के जाएंगे ना तभी उबलेगा। तो दोस्तों, अभी दीप्ति बैठ गई है बीन्स लेके, और आज हम लोग खाएंगे बीन्स का भाजी और भिंडी भाजी, है ना। दीप्ति को आज भिंडी भाजी खाना है, तो मेरे लिए, मैं भिंडी नहीं खाता हूँ, मुझे भिंडी पसंद नहीं है वो, क्योंकि वो मतलब
फ्राई और इधर हो गया भिंडी फ्राई। तो मुझे बोले कि मछली को देखने के लिए मछली फ्राई करने के लिए, तो उसको थोड़ा मैं हिला देता हूँ उसको मछली को। ओए ओए रुक 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 बाबा रुक, अरे बाबा रुक, ओम माय डार्लिंग जी ओम मेरा रुक। तो इसको थोड़ा मैं हिला दिया हूँ, देख सकते हैं। तो मतलब मछली दाल और ये बीन फ्राई मस्त लगता है, मतलब मस्त लाइट खाना। और ज़्यादातर हम लोग नॉनवेज ज़्यादा चलता है बीच बीच में, तो दीप्ति आजकल मतलब नॉनवेज में थोड़ा उसका दिल नहीं जा रहा। नहीं तो पहले वो दीप्ति मुझे बोलती थी कि इतना दिन हो गया मैं आज तक चिकन नहीं खाई, ये नहीं खाई, तुमने मुझे खिलाया नहीं, ये नहीं। लेकिन अभी अभी मैं बोल रहा हूँ अभी मुझे खाने को मैं नहीं मिल रहा है। जब भी मैं बोलता चलो कुछ चिकन को ले लेता हूँ तो बोलता नहीं मेरे को खाने का पसंद नहीं है, मेरे को बोलता है कि मुझे उल्टी आ जाता है, ये होता है वो होता है। तो अब उसका बारी है, मुझे को खाने नहीं को मिलता है। लेकिन पहले दीप्ति जब बोलती थी कि मैं जब बोलता था एक हफ्ता, जब मान के चले एक हफ्ता, अगर हफ्ते में अगर दो बार या तीन बार चिकन या कुछ भी नॉनवेज ना हो तो मुझे चिल्लाने लगती है। देखिए उससे जाके पूछते, वो चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती थी, उसको जाके पूछते चलिए। तो इधर दीप्ति बर्तन धो रही है, तो इसको बता रहे तुम मुझे पहले चिल्लाती थी कि नहीं जो नॉनवेज आज दो हफ्ता तीन दिन हो गया नॉनवेज नहीं खाया, चिकन हाँ। नहीं खाया, तुम मुझे खिलाती थी नहीं, तो बोलो अभी। अभी नहीं खाना है मुझे, एक महीना हो गया मुझे, मैंने मांगा ही नहीं। तो पहले तो मुझे बहुत चिल्लाती थी तुम खिलाते नहीं है मुझे, अभी मैं नहीं खा पा रही हूँ ना, तो अभी मुझे कौन खिलाएगा? तुम तो खा ही लेते हो बाहर। बाहर कहाँ खाता हूँ मैं? अच्छा नहीं खाते हो अपने दोस्तों के साथ? तो ये बोल रही है कि मुझे इसको नहीं खाने का मन है, मैं बोल रहा बाहर खाता, बाहर नहीं खाता हूँ इसको छोड़ के, मैं बाहर खाने को इतना पसंद नहीं है। क्योंकि जब मैं रूम में रहता हूँ अपना घाटी में जो रूम है, तो वहाँ पर काम के जगह पे वहाँ पर मैं दोस्तों के रूम का रूम मेट के साथ तो खाना पड़ता है, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। लेकिन घर में आज एक महीना हो गया ढंग से कुछ हम लोगों ने नॉनवेज खाया नहीं है, क्योंकि दीप्ति की वजह से, क्योंकि दीप्ति को भी परेशान हो रहा है वो नॉनवेज, मतलब उसको मतलब क्या उल्टी आ जाता है, तो इसलिए वो खा नहीं पाती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग ऐसा चलते ही रहेगा, थोड़ा बहुत नोक झोंक दोनों मियाँ बीवी हैं हम लोग, थोड़ा बहुत नोक झोंक चलते रहेगा, आप लोग का एंटरटेनमेंट हम लोग करते रहेंगे, और ऐसे करके आप लोग मिलके रहिएगा। काम से आया एक जूता इधर एक जूता उधर, जीन्स इधर फेंका, शर्ट इधर फेंका, बैग उधर फेंका, इसके पीछे पीछे मैं सारा घर से उठती रहती हूँ। तुम्हें शादी किस लिए किया है? मैंने इसलिए तो किया है, तो शादी करने के बाद तो वही एक आराम है, जो कि इधर कपड़े फेंको उधर फेंको तो वो लोग समेटेगी, तो ऐसा नहीं है। हम लोग को सब दोनों दोनों को मिलके काम करना होता है, दोनों को मिलके रहना होता है, और दोनों को मिलके चलाना होता है। तो अभी हम लोग का यहाँ पर पानी का बोतल है, ये पीने का पानी है, ये हम लोग ने खरीद के लाया है, ये पीने का पानी है, और ये है हम लोगों का राफ यूज़ के लिए, जो कि बर्तन वर्तन थोड़ा बहुत साफ करने के लिए, धोने के लिए, या फिर सब्जी उब्जी में देने के लिए, खाना का सब्जी में देने के लिए, ये पानी है, ये दो पानी, टिंग 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 टिंग, ये दो पानी।
टाटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो डॉक्टर बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।